हेलो दोस्तों, मैं मुकेश डिंगरा अपने यूट्यूब चैनल देसी कॉकटेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ स्पेशल चीज़ की बात करने वाला हूँ। स्पेशल, एकदम स्पेशल आइटम है जो मैं उसके लिए आपको कुछ जानकारी दूंगा उसके बारे में। तो दोस्तों, मैं जब जयपुर गया था, काफ़ी थोड़े दिन पहले जयपुर गया था, वहाँ मुझे, आपको तो मालूम है कि जयपुर यानी राजस्थान एक राज्य महाराजों का राज्य था, तो वहाँ काफ़ी उस टाइम राजा महाराजा थे। तो वहाँ मैं एक वाइन शॉप से गुजर रहा था, तो मेरी नज़र एक बॉटल पर पड़ी जिसका नाम था, ये देखिए, महारानी महानसर शाही गुलाब प्रीमियम रोज़ विस्की। तो कलर भी बहुत प्यारा था, तो मैंने वो जब मैंने बॉटल देखी तो उस पर नीचे लिखा हुआ था प्रीमियम लिकर, हेरिटेज लिकर, तो मैंने वो बॉटल ख़रीद ली। तो मैंने आपको पहले भी एक रिव्यू दिया था केसर कस्तूरी के बारे में, वो भी राजस्थान की शराब थी। तो आज मैं आपको इसके बारे में, महारानी मानसर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो राजस्थान में एक पुष्कर करके सिटी है, आपको पता ही होगा, वहाँ फूल बहुत उगाए जाते हैं, तरह तरह के फूल उगाए जाते हैं, और वहाँ से ही फ्रेश गुलाब के फूल लेकर आकर इसे बनाते हैं। और इसका नाम इसलिए शाही गुलाब प्रीमियम रोज़ रखा है क्योंकि ये गुलाब से बनी हुई शराब है। दोस्तों, तो आपको पता है कि राजा महाराजा जो थे वो पीने के बहुत ही शौकीन थे, और उनके लिए अलग अलग, जैसे अलग अलग टाइप के ये आते थे ना अपना मौसम, तो वो हिसाब से इनके लिए अलग अलग टाइप की लिकर बनाई जाती थी। तो ये काफ़ी जूनी परंपरा है, मतलब ये 250-300 साल पहले से ये लिकर बनाई जाती थी ऐसे टाइप्स की। तो उनमें से एक ये अपना महारानी मानसर है जो मैं आज आपके साथ इसके बारे में शेयर करूँगा। मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं है, मैं भी पहली बार खरीद कर लाया हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। गुलाब एक ऐसा फूल है दोस्तों कि उसकी खुशबू तो आप जानते ही है, और गुलाब से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे गुलकंद, इत्र, शरबत वगैरह वगैरह। पर आप हैरान होंगे कि राजस्थान में कई साल पहले राजा महाराजाओं के टाइम में, उस टाइम वो तो वो अलग अलग टाइप की बनाते थे शराब, पर उन्होंने गुलाब से ये अपना महारानी मानसर शराब बनाई थी। आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर। तो इसे बनाने के लिए गुलाब के साथ साथ कई टाइप की जड़ी बूटियाँ, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ किया जाता है, और तब जाकर यह विस्की को बनाया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं कि इसे शेखावती हेरिटेज हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। तो इस लिकर का अल्कोहल कंटेंट है सिर्फ 37.5%। और एक बात, ये 750 ml की बॉटल सिर्फ मुझे 500 रुपये में राजस्थान में मिली थी, और वो ये आपको वहीं मिलेंगे हर वाइन शॉप में, बाकी महाराष्ट्र में मिलना ये बहुत ही मुश्किल है। और वहाँ इतना कम क्यों रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ प्रमोट करने के लिए इसका कम रेट रखा हुआ है। तो चलिए अब इसे हम ग्लास में डालकर देखते हैं। इसके ऊपर भी दोस्तों ये प्लास्टिक का कॉक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बॉटल है, कलर भी बहुत प्यारा है। कलर देखिए, एकदम गुलाब जैसा कलर है, और बहुत ही बेहतरीन कलर है। अब मैं आपको इसका नोजिंग नोट्स करके बताता हूँ। दोस्तों, इसमें से तो मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है, और मुझे थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस नोट्स मिल रहे हैं। और थोड़ा गुलकंद का भी स्मेल आ रही है थोड़ी। चलिए अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं, थोड़ा पानी मिक्स करते हैं और आपको थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं।
दोस्तों, इसमें से मुझे थोड़ा गुलाब का टेस्ट महसूस हो रहा है और थोड़ा मुझे स्पाइसेस थोड़ा लग रहा है, स्पाइसेस फ्लेवर जैसे लग रहा है। और थोड़ा बहुत गुलकंद के जैसा थोड़ा स्वाद आ रहा है, गुलकंद जैसे लग रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब आप राजस्थान जाए तो ये लीकर आप ज़रूर टेस्ट कीजिए। कुछ अलग ही टाइप की लीकर है, आपको पीने में मज़ा आएगा। हमेशा वो पीला गोल्डन कलर देख देख के आदमी बोर हो जाता है, इसका कुछ अलग ही कलर है, बहुत प्यारा कलर है और पीने में भी दोस्तों बहुत मज़ा आएगा। तो हमेशा की तरह एक शायरी के साथ समाप्त करते हैं। गुलाब की खुशबू इतनी प्यारी है जो घर को महका देती है, गुलाब की खुशबू इतनी प्यारी है जो घर को महका देती है। दोस्तों, गुलाब की शराब में इतने सरूर है कि ये मेरे दिल को बहका देती है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह यही कहूँगा, खुश रहो, सुरक्षित रहो। गुड बाय।